दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा कार डेंटिंग और पेंटिंग बिजनेस मॉडल के बारे में। हाँ दोस्तों, आपने काफ़ी जगहों पर देखा हो कार डेंटिंग और पेंटिंग का काम। हाँ, जिसमें हम गाड़ियों की मरम्मत करते हैं और उसके ऊपर पेंट किया जाता है। दोस्तों इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं, आपको इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों मैं जो भी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा वो प्रैक्टिकल है। मैं खुद जाके मैंने देखा है, खुद मैंने उनसे बात करी है, तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मशीनों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए जिससे आपका बिजनेस चलेगा, और कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना खर्चा आएगा। दोस्तों कहाँ कहाँ पे आपको खर्चा करना है, कौन सी जगह पर आपको अपने जो डेंटिंग पेंटिंग शॉप होती है वो चाहिए, आपको कनेक्शन कैसे बनाना है, क्लाइंट्स कैसे आएंगे, और कितना आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बना सकते हो। हाँ दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। क्या ये ज़रूरी है, क्या हम कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें हम पैसा बना सकते हैं, हर कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डेंटिंग पेंटर काम करना चाहते हैं, हाँ दोस्तों पहले तो आपको उसके बारे में काम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, काम आना भी चाहिए। अगर आपको काम कम आता है, नॉलेज है और आपके पास स्पेस है और दोस्तों आप इस काम को करना चाहते हो, तो आपको एक छोटी सी शॉप लेनी पड़ेगी। जैसे आपने इस क्लिप के अंदर या इस वीडियो में देखा होगा कि आपको एक स्मॉल आपको शॉप लेनी है जहाँ पर आप मशीनों के सामानों को रख सकते हैं, और बाहर की साइड में थोड़ा काफ़ी बड़ा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपकी कार्स खड़ी हो सके। दोस्तों क्योंकि ये सब कुछ बहुत ध्यान से करना है, ताकि आपके पास काफ़ी स्पेस होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ जो होंगी वो स्पेस में ही खड़ी हो सकती है। आप कहाँ पे रखेंगे, तो आपको जो बाहर की एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी स्पेस होना जरूरी है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूँ, तो आपके पास आपने एक शॉप ले लिया जहाँ पे आप अपना सामान रख रहे हैं। सामान के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मशीनों में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एयर कंप्रेसर होना चाहिए। हाँ दोस्तों, एयर कंप्रेसर होना चाहिए, इसके साथ सैंडिंग मशीन होनी चाहिए। आपके पास डेंटिंग पेंटिंग जो टूल्स होते हैं, हाँ दोस्तों, जिससे गाड़ी की डेंटिंग की जाती है, वो टूल्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें हैमर्स होता है, प्लायर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, आप यहाँ पे क्लिक में देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ आपके पास नया आइटम भी होना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी की लाइट्स होती है, टेल लाइट, हेड लाइट्स, बम्पर्स होते हैं, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, साइड के, और तो आपके पास ये चीज़ें कुछ होनी चाहिए कुछ गाड़ियों के लिए। हाँ दोस्तों, जो काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं जो सेम मॉडल की, उनके सामान आपके पास होने चाहिए, ताकि आप मार्केट से काफ़ी अच्छे दाम पर कस्टमर को बेचें, क्योंकि तो पार्ट्स भी आप साथ में बेचेंगे तो आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं इस व्यापार के अंदर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद आपने सामान है आपके पास, पार्ट्स हैं आपके पास, आपने कुछ पार्ट्स भी रख लिए अपने पास, और दोस्तों आपको कम काम आता है, आपने कुछ वर्कर्स रखे। हाँ दोस्तों, क्यों, क्लाइंट्स को आप जाएंगे सामान के लिए हैंडल करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, तो आपने एक वर्कर अपने पास रख लिया। जिसको डेंटिंग में क्या क्या करना होता है, दोस्तों पहले हमें तो गाड़ी की मरम्मत करनी होती है, जहाँ पर पेंट छूटा होता है वहाँ पर आपको और जो पुट्टी होती है वो लगाते हैं, फिर घिसते हैं सैंडिंग मशीन की मदद से घिसते हैं, और उसके बाद पेंट किया जाता है, उस पर कोटिंग की जाती है। एक बार पेंटिंग करेंगे आप, दो बार पेंट करेंगे, ये आप डिसाइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आपको देनी है, क्लाइंट से काफ़ी अच्छे से व्यवहार करना है, बात करना है, ताकि वो दूसरे क्लाइंट्स को भी आपके पास लेके आए। दोस्तों मार्केट में काफ़ी कंपटीशन होता है, इसलिए दोस्तों आपको जो शॉप है वो भी मार्केट में ही खोलनी है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको एक अकेले जगह पर बैठ के आपने अपना काम चालू कर दिया, तो ऐसे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि कस्टमर को काफ़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मार्केट के अंदर ही अपनी गाड़ियों को खड़ा करना पसंद करता है। तो मार्केट के अंदर आपको काम खोलना है, ताकि आपकी जो शॉप का किराया वहाँ पर 8,000, 9,000 या 10,000 तक भी क्यों ना हो, चाहे वो 15,000 क्यों भी ना हो, पर वहाँ पे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों आपका काम अच्छा है, आपने नया काम स्टार्ट किया पर काम आपका काफ़ी अच्छा है, लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है आपका काम, तो काफ़ी क्लाइंट्स आप वहाँ पे भी नए बना सकते हो। क्लाइंट्स को काफ़ी सेटिस्फाइड करना है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, उनसे बात करनी है, ताकि वो आपके लिए और नए क्लाइंट्स भी लेके आ सके। दोस्तों ये काम जो होता है काफ़ी अच्छा काम है, बट इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट दोस्तों लगती है, क्योंकि जो भी मटेरियल्स आप पेंट्स खरीद के लेके आ रहे हैं वो क्या है, वो भी आपको खरीदना पड़ता है, फिर आप उस पर यूज़ करते हो। दोस्तों जो इसमें इन्वेस्टमेंट, अगर आप सारी चीज़ों को नया खरीदते हो, तो दोस्तों एयर कंप्रेसर काफ़ी महंगा आता है,
वो काफ़ी महंगा होता है। तो दोस्तों आप जो भी यहाँ पे टूल्स मशीनें खरीदेंगे तो उसमें आपको कम से कम जो खर्चा, दोस्तों ये जो खर्चा आपको बताने जा रहा हूँ वो कम से कम का खर्चा है, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो 1.5 लाख रुपये का खर्चा आराम से आपको आ जाता है इस व्यापार के अंदर, क्योंकि जो एयर कंप्रेसर वो काफ़ी महंगा आता है और जो मशीनें साथ लेंगे तो उसमें काफ़ी जो खर्चा हो जाता है हमारा। और दोस्तों अगर आप पुरानी सामान लेते हैं, पुराना मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप 80-90 के रेंज में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट नई चीज़ों को लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट और काफ़ी टाइम तक उन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो इसकी बनावट है जो मैंने इस बिज़नेस की मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सटीक रूप से समझ में आ सके। दोस्तों इस व्यापार में काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, काफ़ी लोग इस बिज़नेस को करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो और क्योंकि इसमें ज़्यादा देखो आपको बस एक डेंटिंग करनी है, पेंटिंग करनी, अच्छी कोटिंग करनी, अच्छा से काम करके कस्टमर को देना है ताकि वो आपसे सर्टिफाइड हो सके और काफ़ी आप इस पर प्रॉफिट भी कमा सकते हो। हाँ दोस्तों अगर मार्केट में आप काफ़ी महीने में अगर आप 80,000 रुपये भी कमाते हैं दोस्तों, हाँ तो दोस्तों मैं आपको यही बता दूँ कि अगर 80,000 रुपये आपने कमाए उसमें से 45,000 के रेंज में या 45-50,000 की रेंज में पैसा आपका लग भी जाता है दोस्तों, क्योंकि वर्कर आपके पास, आपने पेंट भी खरीदा है, काफ़ी चीज़ आपने खरीदी है, वो भी उसका इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो आपके पास अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपके 2 या 4 महीने हो चुकी हैं और काफ़ी क्लाइंट्स आपके पास आने लगे आपके काम की वजह से, तो आप 30-35 हज़ार रुपये जो पैसा कटेगा अपने वर्कों को देने के बाद, जो सामान आपने लगाया उसको हटाने के बाद, आप जो आपका व्यापार में आप 35-40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। दोस्तों स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपका 4 या 5 महीने के अंडर में बता रहा हूँ। अगर आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं, काफ़ी लोग हैं आपके साथ और काफ़ी आप पहले से एक्सपेंड हो, तो काफ़ी अच्छे से काम करके आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स में कमा सकते हो। काफ़ी आप यहाँ से इस बिज़नेस से आप 80-90 हज़ार रुपये भी 1 महीने में कमा सकते हो, बट काफ़ी आपको टाइम भी लगता है इस काम को, ऐसा नहीं क्लाइंट बनाना इतना आसान है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है दोस्तों। और ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, आप देखते हो मैंने प्रैक्टिकली इस बिज़नेस के बारे में देखा है, जाना है, तभी मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप डेंटिंग पेंटिंग का काम करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। जो भी इसमें मशीनें लगती है मैंने आपको बताया, टूल्स के अंदर बताया क्या क्या चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, सब चीज़ों को मैं बताया। इसमें जो मटेरियल्स होता है वो भी आपको खरीदना होता है, जो पेंटिंग और के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुट्टी होता है, पेंट्स होते हैं, अच्छी कंपनी के भी आते हैं, ख़राब कंपनी में आते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कस्टमर क्या लगाना है वो आपकी मर्जी होती है, वो कस्टमर से बात करने के बाद, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा बेनिफिट आप इस बिज़नेस को करके अपने कस्टमर को सर्टिफाइड करके काफ़ी अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। और दोस्तों इस बिज़नेस के बारे में आपको क्या प्रॉफिट होगा, आपको कहाँ पर खोलनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना ताकि आने वाली हर वीडियो को आप तक पहले दे सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई दोस्त है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिजनेस करना चाहता है डेंटिंग पेंटिंग में, प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना, और किसी को भी आप जो उसको जानते हो और वो ऑटोमोबाइल से इंटरेस्टेड है तो उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर जरूर करना एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और कोई भी समस्या आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देने की पूरी